नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही उपचुनाव के दौरान आजमगढ़ नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब बाहुबली रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे हैं। सपा से विधायक रमाकांत यादव इस समय जहरीली शराब कांड में जेल में बंद हैं। जेल में ही अखिलेश रमाकांत यादव से मुलाकात कर अखिलेश यादव के आजमगढ़ आने और रमाकांत से मिलने को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। एमएलसी चुनाव और फिर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद यह अखिलेश यादव का आजमगढ़ का पहला दौरा है। दो चुनावों में सपा को अपने ही गढ़ में हार मिलने के बाद अखिलेश यादव के इस दौरे को सीधे तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद रहे हैं। यहाँ हुए लोकसभा उपचुनाव में वो प्रचार के लिए नहीं आए थे, जबकि उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सपा से प्रत्याशी थे। सपा को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए अखिलेश यादव फिर आजमगढ़ में एक्टिव होने जा रहे हैं। रमाकांत यादव अब तक 5 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। रमाकांत यादव 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे और विधायक बने थे। इसके बाद 1991 और 1993 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। 1996 में पहली बार सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता और इसके बाद पिछले चुनाव से पहले फिर सपा में आए और विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। बीच के समय में इन्होंने अलग अलग पार्टी से भी चुनाव लड़ा था। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही उपचुनाव के दौरान आजमगढ़ नहीं पहुंचे, लेकिन अब बाहुबली रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे हैं। सपा से विधायक रमाकांत यादव इस समय जहरीली शराब कांड में जेल में बंद है। जेल में ही अखिलेश यादव रमाकांत से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव के आजमगढ़ आने और रमाकांत से मिलने को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद रहे हैं। यहां हुए लोकसभा उपचुनाव में वो प्रचार के लिए नहीं आए थे, जबकि उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सपा से प्रत्याशी थे। सपा को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए अखिलेश फिर आजमगढ़ में सक्रिय होने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।